भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में फूट पड़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों के सफाए के बाद हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन पर नाकामी का आरोप लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने सलाहुद्दीन की शिकायत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से की है। लश्कर और जैश ने सलाहुद्दीन की जगह हिजबुल कमांडर आमिर खान या इम्तियाज खान को चीफ बनाने को कहा है। लश्कर और जैश के निशाने पर आने के बाद सलाहुद्दीन अंडरग्राउंड हो गया है। सलाहुद्दीन ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से इस्तीफे की पेशकश की है। ये काउंसिल उसी ने कई आतंकी संगठनों को एकजुट करने के लिए बनाई थी। 2017 में सुरक्षा बल 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मार चुके हैं। इनमें ज्यादातर लश्कर और जैश के थे।